बेटी फाउंडेशन की अनुरंजन और शशि रंजन ने एसिड विक्टिम और रेप विक्टिम लड़कियों के लिए एक फैशन शो का आयोजन किया। इस फैशन शो से जो भी पैसा जमा होगा वो पैसे उन लड़कियों के इलाज के लिए खर्च होगा। देश में लगातार लड़कियों और महिलाओं पर हो रहे अपराध और उनके मदद के लिए बेटी फाउंडेशन ने एक फैशन शो का आयोजन किया। इस फैशन शो के मकसद था कि चैरिटी से जमा होने वाले फंड से देश की पीड़ित लड़कियों के इलाज में खर्च हो। इस मौके पर बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियों ने रैंप वॉक किया, जिसमें लेजेंडरी एक्ट्रेस जीनत अमान और सुष्मिता सेन हुई शामिल। इसके अलावा कई टीवी एक्ट्रेस भी इस फैशन शो में हुई शरीक। लड़कियों को देख सुष्मिता के आंखों से आंसू बहने लगे और इस मौके पर वो काफी भावुक भी दिखाई दी। One of the things that troubled us tremendously this time was that it's true that it's happening every 10 minutes, it's true that it's happening in India all the time, and then we are aware of it or not aware of it. But think about what's happened to us if it takes a gang rape to shake up our conscience. If it takes something as brutal as what happened for us to wake up. Oh, we're not bad people, ladies and gentlemen. We're not trying to point fingers. But we are trying to say कि जहां जिसका काम है वो करे, definitely. लेकिन हमारी आंखों के सामने होता है, हमारे नेबरहुड में होता है, हमारे शहर में होता है, और कहीं तो भी हमारी ये समझ हो गई है कि this is not our problem. ये मेरी problem नहीं है. पुलिस से प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर लॉ से प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर जिसकी प्रॉब्लम है वो देख ले। मैं आपको कह रही हूँ, मैं जानती हूँ इस बात को, एंड आई टेल यू दिस फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, रिश्ता मानने से रिश्ता होता है। फिर ऊंच नीच का फर्क आ रहा है, तो मैं चाहूंगी कि लड़की जो है अपने आत्मसम्मान के लिए जो है खड़ी हो।